नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वैदिक धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत जिनका प्रचार आर्य समाज करता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। वैदिक धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म और मत है। विश्व में वैदिक धर्म का प्रचलन वेदों से हुआ। वेद सृष्टि के आरंभ में अन्य सांसारिक पदार्थों की तरह ही ईश्वर से उत्पन्न हुए। परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ईश्वर के स्वरूप को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। चेतन पदार्थ ज्ञान क्रिया से युक्त होते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सहित सर्वव्यापक अनादि नित्य अमर अविनाशी सत्ता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जिसको बनाने वाले व पालन करने का ज्ञान अनादिकाल से है। यह ज्ञान न घटता है न बढ़ता है। पूर्ण ज्ञान में घटना व बढ़ना नहीं होता। मनुष्य एकदेशी है, ससीम है, जन्म मरण धर्म होने से अल्पज्ञ है। इसे ज्ञान प्राप्ति में ईश्वर सहित वेद ज्ञान, माता पिता, आचार्यों की आवश्यकता होती है। इनके बिना हम ज्ञानवान व सत्य यथार्थ तथ्यों और प्रकृति के रहस्यों को जानने वाले नहीं होते। वेद ज्ञान की सहायता तथा ईश्वर की उपासना से मनुष्य ज्ञानवान होता है। मनुष्य को ज्ञानवान बनाने में माता पिता, आचार्य, ऋषियों के सत्य ज्ञान से युक्त ग्रंथों का विशेष महत्व होता है। इन ग्रंथों का अध्ययन कर मनुष्य अपनी बुद्धि से सत्यासत्य का निर्णय कर सकता है। संसार में ईश्वर व ऋषियों के अतिरिक्त मनुष्यों द्वारा रचित अनेकानेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। मनुष्यों के अल्पज्ञ होने से उनकी सभी रचनाएं निर्दोष नहीं होती। बड़े बड़े महापुरुष भी अल्पज्ञ होते हैं। इस कारण उनके ग्रंथों में विद्यमान कुछ मान्यताएं विद्या ज्ञान की दृष्टि से वेद विरुद्ध होने के कारण सत्य न होकर असत्य या विष मिश्रित होने के समान होती हैं। अतः ईश्वरीय ज्ञान वेदों को स्वतः प्रमाण मानकर हमें अपने जीवन में किसी भी ग्रंथ की मान्यता की परीक्षा कर उसे स्वीकार व अस्वीकार करना चाहिए। सत्य को ही अपनाना चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं के ग्रंथ हैं। वेदानुकूल सिद्धांत व मान्यताओं में ही आचरण करने और मानने के योग्य होती हैं। सभी प्रचलित मान्यताओं की एकता और समानता होने के कारण जो है उनकी मान्यताओं का अविद्यायुक्त होना होता है। सभी प्रचलित जितनी भी मान्यता है उनमें एकता नहीं है। इसका कारण यह है कि उनमें जो है अविद्या है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की सत्य मान्यताओं का प्रकाश करते साथ मत मतांतरों की अविद्यायुक्त मान्यताओं का दिग्दर्शन भी कराया है। इससे विदित होता है कि वेद ही स्वतः प्रमाण हैं, जिनकी सभी मान्यताएँ ईश्वर प्रदत्त होने के प्रमाण हैं। अन्य ग्रंथों में वही मान्यताएं स्वीकार करने योग्य हैं जो पूर्णतः वेदानुकूल होती हैं, वेदों के अनुकूल होती हैं। वैदिक धर्म के मुख्य सिद्धांतों और मान्यताओं पर विचार करते हैं तो इसका मुख्य सिद्धांत त्रैतवाद का सिद्धांत प्रतीत होता है। त्रैत से अभिप्राय है ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन सत्ताओं से है। हमारा यह संसार इन तीन पदार्थों का ही समन्वित रूप है। ईश्वर इंद्रियों से अगोचर होने के कारण आँखों से दिखाई नहीं देता। इसमें गंध न होने के कारण उसे सूंघकर अनुभव नहीं किया जा सकता। वायु के समान न होने के कारण उसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। वह एक अनादि नित्य निराकार सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान धार्मिक स्वभाव से युक्त दयालु कृपालु जीवों के प्रति पितृ मात्र बंधु सखा आदि संबंधों से युक्त सत्ता है। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद भाष्य भूमिका आर्याभिविनय ऋग्वेद यजुर्वेद भाष्य का अध्ययन कर ईश्वर के सत्यस्वरूप को जाना जा सकता है। इस सर्वव्यापक व सर्वांतर्यामी होने से वह हमारे बाहर व भीतर विद्यमान है। वह हमें सद प्रेरणाएं करता रहता है। निर्दोष अंतःकरण वाले मनुष्यों को उसकी प्रेरणाओं की अनुभूति आनंद और उत्साह बुरे काम को करने पर भय शंका लज्जा के रूप में अनुभव होती है। हर निर्मित पदार्थ के निमित्त उपादान कारक होते हैं। इस समस्त सृष्टि व इसके समस्त पदार्थ का एक ईश्वर ही निमित्त कारण है। अनादि नित्य सूक्ष्म प्रकृति उपादान कारण है। ईश्वर और प्रकृति से इतर चेतन जीवों का भी संसार में अनादिकाल से अस्तित्व है। यह सब नाश रहित अजर अमर पदार्थ हैं। जीव अल्पज्ञ एवं जन्म मरण धर्म है। इन्हीं के लिए परमात्मा इस सृष्टि को बनाए और पालन करते हैं। जीव अल्पज्ञ चेतन सत्ता है, अतः यह मनुष्य आदि योनियों को जन्म प्राप्त कर कर्म करते हैं, जिनका जन्म जन्मांतर में फल भोगने के लिए इनका नाना योनियों में जन्म होता है। इसी से पुनर्जन्म का सिद्धांत सिद्ध होता है। मनुष्य व अन्य सभी योनियों के जीवों की उत्पत्ति व जन्म का कारण उनके पूर्व जन्म के कर्म सिद्ध होते हैं। जीव अनादि व अनंत काल तक विद्यमान रहने वाले युक्त स्वरूप वाले हैं। इनके कर्मों और अस्तित्व का कभी अंत नहीं होता, अतः इनके जन्म अंत काल तक होते रहते हैं। संसार में ईश्वर, जीव और प्रकृति का अस्तित्व सत्य सिद्ध है।
कोई मत संप्रदाय इन वैदिक मान्यताओं को मानता तो है, अच्छी बात है, और यदि अज्ञानतावश किसी वैदिक सिद्धांत को नहीं मानता तो इसका कारण उसकी अज्ञानता को ही कहा जाएगा, उसकी अविद्या को ही कहा जाएगा। वेद जीवों के जन्म के कारण उनके कर्म बंधन को मानते हैं। जब यह बंधन क्षीण हो जाते हैं तो जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। मोक्ष आवागमन व जन्म मरण से दीर्घावधि के लिए मुक्ति को कहते हैं। मोक्ष में जीवन को पूर्ण सुख और आनंद प्राप्त होता है। यह उसके शुभ कर्मों और साधना का पुरस्कार प्रतिफल होता है। इसका विस्तार ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में देखा जाता है। मोक्ष एक सत्य सिद्धांत है। इसकी पुष्टि सत्यार्थ प्रकाश के नवे समुल्लास में प्रस्तुत तथ्यों व तर्कों के आधार पर होती है। सत्य प्रेमी व जिज्ञासु बंधुओं को सत्यार्थ प्रकाश का मोक्ष विषय समुल्लास प्रकरण जो है वो पढ़ना चाहिए। वेदों का एक प्रमुख सिद्धांत पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा का जन्म मरण धर्म है। इसका इसके कर्मों के अनुसार जन्म शरीर के जर्जर होने पर मरण होता है। मृत्यु के बाद जन्म होना सुनिश्चित होता है। गीता नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित होती है। इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त आत्मा का जन्म होना भी ध्रुव अर्थात निश्चित होता है। हम संसार में भिन्न भिन्न गुण कर्म और स्वभाव वाले शिशुओं को जन्म देखकर उनकी पृथक पृथक भिन्न भिन्न क्रियाओं को देखकर उनके पूर्व जन्म के संस्कारों का अनुभव करते हैं। शिशु माता का दूध पीता है, इसका कारण भी उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। इसी प्रकार से नवजात अल्प आयु के शिशुओं का हंसना व रोना एक ही प्रकार समान पोषण मिलने पर एक बुद्धिमान और किसी का अल्प बुद्धि वाला होना, किसी का धार्मिक प्रवृत्ति का तो किसी का धर्म के विपरीत आचरण करना, प्रकृति का होना मनुष्य के पुनर्जन्म को सिद्ध करते हैं। पुनर्जन्म पर ऋषि दयानंद ने अनेक तर्कपूर्ण वचन भी उपलब्ध हैं। अनेक वचनों में पुनर्जन्म का उत्तम ग्रंथ की रचना होती है। कुछ विद्वानों ने पुनर्जन्म पर शोध उपाधि PhD आदि भी प्राप्त की है। इन सबसे पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य सिद्धांत प्रतीत होता है, सत्य सिद्धांत सिद्ध होता है, अर्थात जो है इसीलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य प्रतीत होता है, सत्य सिद्धांत सिद्ध होता है, क्योंकि ये सत्यता प्रमाणित है, सिद्ध है। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने PhD भी की है, इस पर उपाधि भी ली है, और साथ ही साथ जैसे बच्चा जन्म लेता है तो दूध पीने की आदत उसकी, हंसने की, बोलने की, चलने की आदत, जब वो चलना शुरू करता है तो कुछ सीखने की चीज़ें जो होती है, जिज्ञासावश चीज़ों को देखने की जो चीज़ होती है, ये लगातार सतत कहीं ना कहीं उसके अंदर होती है। या फिर बच्चा से बच्चा हो तो रिसर्च ये भी कहते हैं कि वो कुछ चीज़ों से डरता भी है, तो ये इस बात को साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और विज्ञान भी तो सिद्ध करता ही है कि किसी भी चीज़ का जो है जिसका आज अस्तित्व है उसका विनाश कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में अस्तित्व में रहती है। तो पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी तो चक्र पुनः चलेगा ही चलेगा, जन्म भी होगा ही होगा। वेद व वैदिक साहित्य में हमें पंच भाज्यों को प्रतिदिन करने का एक तर्कसंगत लाभकारी सिद्धांत भी प्राप्त होता है। यह पांच कर्तव्य हैं: ईश्वर उपासना और संध्या, देवयज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ और बलिवेश देवेश यज्ञ। संध्या ईश्वर की प्रातः और स्वयं की उपासना को कहते हैं। इस उपासना के समर्थन में भी ऋषि दयानंद के अनेक तर्कपूर्ण एवं सारगर्भित कथन उपलब्ध हैं। उनके अनुसार ईश्वर के सभी जीवों पर अनादिकाल से अनंत उपकार है। ईश्वर हम जीवों के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया उसने और हमें मनुष्य जन्म दिया। अनादिकाल से हम जन्म लेते आ रहे हैं। बार बार हमारा पुनर्जन्म ईश्वर की कृपा से ही होता है। हमें जो सुख प्राप्त होते हैं उसका आधार दाता भी परमेश्वर ही होता है। अतः हमें ईश्वर के उपकारों के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। उपासना से जीवात्मा की उन्नति होती है। मनुष्य को सुख प्राप्त होने सहित उसका परजन्म भी सुधरता है। इससे अनेक लाभ ईश्वर की उपासना से होते हैं। मनुष्य का दूसरा प्रमुख कर्तव्य देवयज्ञ अग्निहोत्र होता है, जिसमें वायु शुद्धि सहित रोग कीटाणु नाशक होते हैं और मनुष्य स्वस्थ रहता है, रोग दूर हो जाते हैं। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसको करने से मनुष्य को पूर्ण का लाभ होता है और इससे हमें जन्म जन्मांतर में सुख मिलता है। मनुष्य को पितृयज्ञ में अन्नदाता जो माता पिता वृद्धों की सेवा शुश्रूषा करनी होती है, अतिथि यज्ञ में विद्वान के निस्वार्थ सेवा स्वभाव वाले अतिथियों का जो है जो विद्वत्त अतिथि होते हैं उनका आदर सत्कार पोषण करना होता है, बलिवेश देवेश यज्ञ में मनुष्यत्तर प्राणियों के प्रति प्रेम और सद्भाव रखते हुए उन्हें यथाशक्ति भोजन कराना होता है। पंच महायज्ञों का विधान होने से भी वैदिक संसार का धर्म जो वैदिक धर्म है संसार का धर्म सर्वश्रेष्ठ महानतम संस्कृति और धर्म है। इसके पालन से ही मनुष्य का वर्तमान भविष्य और परजन्म सुधरता है। ईश्वर की कृपा और सहाय प्राप्त होती है। आत्मा की उन्नति सहित सुख और मोक्ष में भी पंच महायज्ञ कारण व सहायक होते हैं। वैदिक धर्म के गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विधान है।
वर्तमान में प्रचलित जन्मना जाति व्यवस्था का समर्थन वेद व ऋषियों के साहित्य से नहीं होता। यह व्यवस्था मध्यकाल में अज्ञानता के कारण प्रचलित हुई थी। इसका कोई उचित कारण व महत्व नहीं है। इससे मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव और पक्षपात होता है। वेद मनुष्यों में पक्षपात की सर्वथा विरुद्ध है। वेद तो मनुष्य मात्र को वेदों का ज्ञानी विद्वान विदुषी बनने और बनाने की प्रेरणा करते हैं। वेदों का अध्ययन कर सभी स्त्रियां पुरुष योग्यता को प्राप्त हो ऋषि ऋषिकाएं यज्ञ के ब्रह्मा पुरोहित वेदों के प्रचारक आत्मा और ईश्वर साक्षात्कार करने वाले योगी बन सकते हैं। वेद विद्या पढ़कर पूर्ण युवावस्था में युवक युवती के विवाह से समर्थक हैं। वेदों से बाल विवाह का समर्थन न होकर निषेध होता है। विधवाओं के प्रति भी वेद और वैदिक साहित्य में कोई पक्षपात से युक्त वचन नहीं मान्यता नहीं है। वेदों व वैदिक साहित्य में शूद्रों को भी द्विज के साथ मिलकर उनके कार्यों में सहयोग करने का विचार प्राप्त होता है। वृद्ध शूद्र को भी सभी पूज्य माना जाता है। शूद्रों की गणना भी वैदिक मान्यता के अनुसार आर्यों में होती है। आर्य श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव से युक्त मनुष्य को कहा जाता है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों में मनुष्य के सभी कर्तव्य और कर्मों का विधान है। वेद ईश्वर से उत्पन्न होने के एकमात्र सबसे लिए मान्य धर्मग्रंथ हैं। वेदों की आज्ञाओं का पालन करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य धर्म है। जो मनुष्य इसको मानेगा उसका जन्म जन्मांतर में परमात्मा कल्याण करेंगे। सभी मनुष्यों को वेदों का अध्ययन कर परम धर्म वेद का पालन करना चाहिए, वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए। वेदों से दूर होकर हम अज्ञानता अंधविश्वासों को प्राप्त होते हैं। वैदिक कर्तव्यों की पूर्ति से हमें जो सुख परजन्मों की उन्नति होती है वेदों से दूर होने पर वह वंचित हो जाते हैं उससे। और हमने इस लेख में कुछ वैदिक मान्यताओं की संक्षेप में चर्चा की है। यदि यह लेख किसी को प्रिय लगता है तो इसमें हमारे श्रम की सार्थकता है। और प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।